मॉर्निंग, सत श्री अकाल जी। सी पी सी का सब्जेक्ट हम लोग कर रहे हैं कंटिन्यूस, ठीक है जी। आज हम लोग ऑर्डर नंबर 29 एंड 31 जो है कंप्लीट करेंगे। बेसिकली ये जो सारे ऑर्डर्स आज हम लोग जो करेंगे वो शॉर्ट पर्पस के लिए इम्पॉर्टेंट है। मेन के लिए रेयर चांस है कि हाँ वो कभी मेन एग्जाम्स में आए, बट प्री पॉइंट ऑफ व्यू दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार तो डायरेक्ट क्वेश्चन किया जाता है कि बेसिकली सूट बायर अगेंस्ट द ट्रस्टी जो है उसका ऑर्डर नंबर क्या है, राइट? जहाँ सूट बायर अगेंस्ट द कॉर्पोरेशन जो है उसका ऑर्डर क्या है, तो डायरेक्टली क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। तो वी हैव ऑर्डर नंबर 29 एंड ऑर्डर नंबर 31। ऑर्डर नंबर 29 जो है वो डील कर रहा है कॉर्पोरेशन से, अगर कॉर्पोरेशन ने सूट फाइल करना है या कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट सूट फाइल करना है तो ऑर्डर नंबर 29 है। अगर सूट बायर अगेंस्ट ट्रस्टी है, एग्जीक्यूटर है या एडमिनिस्ट्रेटर है, या इनके द्वारा सूट फाइल किया रहा है या इनके अगेंस्ट सूट फाइल किया रहा है, तो ऑर्डर नंबर 31 जो है वो अप्लाई होगा, राइट? स्टार्टिंग विद ऑर्डर नंबर 29 का जो ऑर्डर नंबर 1 है वो क्या कह रहा है कि अगर सूट जो है वो कॉर्पोरेशन ने फाइल किया है या कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट सूट फाइल किया है, सू और सूट वर्ड यूज किया है ना, तो इन सूट बायर अगेंस्ट कॉर्पोरेशन एनी प्लीडिंग मीन्स चाहे वो प्लेंट है चाहे वो रिटर्न स्टेटमेंट है, राइट? अगर तो ये कॉर्पोरेशन प्लेंटिफ है तो वो प्लेंट जो है वो ड्राफ्ट करेगी। अगर कॉर्पोरेशन पे केस किया गया है, अगर कॉर्पोरेशन डिफेंडेंट है तो कॉर्पोरेशन रिटर्न स्टेटमेंट जो है वो ड्राफ्ट करेगी और कोर्ट में दायर करेगी। द थिंग इज इंपॉर्टेंट अबाउट कि कॉर्पोरेशन जो है वो कौन पर्सन है जो उसको वेरीफाई करेगा, प्लेन को साइन करेगा, रिटर्न स्टेटमेंट को साइन करेगा, एफिडेविट को साइन करेगा, उसकी वेरिफिकेशन करेगा। तो वहां पे रूल नंबर 1 में स्पेसिफाइड किया गया है कि एनी प्लीडिंग वेदर इट इज अ प्लेन और अ रिटर्न स्टेटमेंट मे बी साइंड एंड वेरीफाइड, क्योंकि वेरिफिकेशन इज ऑलवेज बी देयर। जब हम लोग प्लेन तैयार करते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट तैयार करते हैं, तो उसका जो लास्ट पैराग्राफ है वो वेरिफिकेशन है कि द अबव सेड फैक्ट्स अबव सेड पैराज आर ट्रू अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज, तो वो वेरीफाई करते हैं। तो ऊपर की प्लेन या रिटर्न स्टेटमेंट प्लस वेरिफिकेशन आप साइन करोगे, कौन साइन करेगा? बाय द सेक्रेटरी ऑफ द कॉर्पोरेशन। वहां पर बोर्ड लिखा सेक्रेटरी जो है कॉर्पोरेशन का वो साइन करेगा, जहां उसका डायरेक्टर साइन करेगा। अगर कोई और पर्सन है जो प्रिंसिपल ऑफिसर है, कोई मैनेजर है, जो प्रिंसिपल ऑफिसर जो मेन है वो साइन करेगा, ठीक है जी। हु इज एबल टू डिपोज टू द फैक्ट ऑफ द केस, तो वो पर्सन है जो केस के जो फैक्ट है वो डिपोज करेंगे उसमें रिटन स्टेटमेंट में, एफिडेविट में, और उनको साइन करेंगे, और साइन करने के बाद जो प्लेंट है, जो रिटन स्टेटमेंट है, वो कोर्ट में दायर की जाएगी, ठीक है जी, वो कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे। Then, rule 2 says the service on the corporation. Service means the summons. Summons जाएंगे इसके लिए corporation के regarding, अगर corporation अगर वो defendant है, ठीक है, उसके regarding जो plaintiff है, उसके regarding जो rule 2 क्या कहता है कि subject to the statutory provision regulating the service of service where a suit is against the corporation. अगर suit corporation के against suit file किया गया है, against means यहां पे corporation क्या है? Defendant है। Rule 2 में If the suit is filed against the corporation means जहां पर corporation defendant है, the summons may be served, तो summons किसको serve किया जाएगा? Definitely secretary को किया जाएगा। अगर plaintiff जो secretary sign कर रहा है, ठीक है, sorry, letter statement अगर secretary sign कर रहा है, तो secretary को हम sign करेंगे। अगर वो principal officer है तो उसको serve कर देंगे। अगर director है तो उसको हम लोग summons serve कर देंगे और वो sufficient होगा। और what use किया? और by leaving it or sending it by post addressed to the corporation at the registered office. हमारे हर कॉर्पोरेशन का एक रजिस्टर्ड ऑफिस होता है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ द रजिस्ट्रेशन आपको एक रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो प्रिस्क्राइब करना होता है कि हमारा जो मेन ऑफिस है, रजिस्टर्ड ऑफिस, वो यहाँ पे सिचुएटेड है। तो आप उस ऑफिस में आप बाय पोस्ट जो है वो समन जो है वो भेज सकते हो। एंड इफ देयर इज नो रजिस्टर्ड ऑफिस, अगर ऐसी कॉर्पोरेशन है जिसने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, तो उसका कोई रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं है, ठीक है जी, देन एट द प्लेस विद द कॉर्पोरेशन कैरी ऑन बिजनेस, तो जहां पर आप वो कैरी ऑन बिजनेस कर रहे हैं आप उस एड्रेस पे आप जो है बाय पोस्ट भी समन सर्व कर सकते हो। तो वी हैव अ ऑप्शन, ठीक है जी, या तो आप बाय हैंड लेके जाओ एज पर द प्रोसीजर, कोर्ट जो है वो अपने ऑफिसर को कहेगी समन इशू करके आओ, तो वो एक वे है। एक दस्ती समन भी होता है जो प्लेंटिव खुद लेके जाता है, ठीक है जी, और एक जो है बाय रजिस्टर्ड थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट भी आप समन जो है वो सर्व कर सकते हो। तो दीज आर द प्रोसेस जिसके थ्रू आप जो बेसिकली है वो आपको समन जो है वो सर्व कर रहे हैं। देन वी हैव एट द लास्ट रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कह रहा है कि पावर टू रिक्वायर पर्सनल टेंडर्स ऑफ ऑफिसर ऑफ द कॉर्पोरेशन। पावर ऑफ
टू रिक्वायर पर्सनल ट्रेनर्स, यहाँ पे पर्सनल ट्रेनर्स की बात की गई है एट द टाइम या ड्यूरिंग जो है बेसिकली सूट के दौरान जो कोर्ट है उसके पास द कोर्ट हैज अनलिमिटेड पावर टू कॉल एनी पर्सन, चाहे वो सेक्रेटरी है, चाहे वो डायरेक्टर, चाहे वो प्रिंसिपल ऑफिसर है, कोर्ट उनको कॉल कर सकती है कि आप प्लीज आओ और मुझे इस क्वेश्चन के जवाब दो। ठीक है जी, वहां पे क्या लिखा है, द कोर्ट मे एट एनी स्टेज, मीन्स किसी भी स्टेज पे कोर्ट को जरूरत पड़ सकती है कि इनकी जरूरत है मुझे। ठीक है जी, तो रिक्वायर द पर्सनल अटेंडेंस, पर्सनल अपीयरेंस ऑफ द सेक्रेटरी, डायरेक्टर और प्रिंसिपल ऑफिसर हु मे बी एबल, हु मे बी एबल, वो लिखा है जिनको फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस के बारे में पता है, हु आर एबल टू आंसर द मटेरियल क्वेश्चन रिलेटेड टू द सूट। अगर वो प्रिंसिपल ऑफिसर है एंड ही डजंट नो अबाउट द फैक्ट ऑफ द केस, बट जो उसने डायरेक्टर अपॉइंट किया है, ही जो डायरेक्टर अपॉइंट उसको एग्जैक्टली उसको नॉलेज है केस की, तो प्रिंसिपल ऑफिसर को कॉल नहीं करेंगे क्योंकि वो एबल टू नहीं है। वहां पे स्पेशली वो लिखा है कि द सच पर्सन मस्ट बी एबल टू आंसर द मटेरियल क्वेश्चन, अगर उसको नॉलेज है तभी वो एबल है, अदरवाइज वो एबल नहीं है। ठीक है जी, तो दिस इज द रूल नंबर 29। हाँ जी, स्टार्ट विद ऑर्डर नंबर 31 डील कर रहा है ट्रस्टी, एग्जीक्यूटर एंड एडमिनिस्ट्रेटर। कोई प्रॉपर्टी है जी, जो पर्सन ने विल के थ्रू टेस्टेटर मींस टेस्टेटर विल के थ्रू एक पर्सन को अपॉइंट कर दिया कि वो मेरे ट्रस्टी होगा, या कोई एग्जीक्यूटर है जो या एडमिनिस्ट्रेटर है जो उसके बाद जो है बेसिकली वो प्रॉपर्टी की टेक केयर करेगा, एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो है। तो उसके रिगार्डिंग 31 जो सूट फाइल कर रहे हैं, तो ऑर्डर 31 क्या कह रहा है कि सूट बाय और अगेंस्ट द पर्सन, वो पर्सन कौन है, वो ट्रस्टी है, वो एडमिनिस्ट्रेटर है, वो एग्जीक्यूटिव है, जिनको प्रॉपर्टी की जिम्मेवारी दी गई है, उनको टेक केयर करने की जिम्मेवारी दी गई है। तो वहां पे स्पेसिफिकली जो 31 जो ऑर्डर है वहां पे स्पेसिफिकली लिखा है जो रूल नंबर 1 है, रूल नंबर डील कर रिप्रेजेंटेशन ऑफ बेनिफिशियरी इन सूट कंसर्निंग प्रॉपर्टी वेस्टेड इन द ट्रस्टी एक्सेट्रा, जो प्रॉपर्टी ट्रस्टी को वेस्ट कर दी गई है। ठीक है जी, ट्रस्टी बेसिकली एक ट्रस्ट है, जो वो ट्रस्ट में अगर उसको टिंगल वर्ड है वो ट्रस्ट है, जो नॉर्मल जो दुखियारी लोग हैं उनके वहां पे रहते हैं, तो वो जो बेनिफिशियरी है वो ट्रस्ट किसके लिए बनाया गया, वो किसके लिए क्रिएट किया गया, वो बेनिफिशियरी के लिए। ठीक है जी, तो एक ट्रस्टी को अपॉइंट कर दिया हमने, वो ट्रस्टी जो है वो सारे बेनिफिशियरी को रिप्रेजेंट करेगा, तो वर्ड यहां पर लिखा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ बेनिफिशियरी, जो बेनिफिशियरी है उनको रिप्रेजेंट करेगा ट्रस्टी। ठीक है जी, तो यहां पे रूल नंबर 1 में स्पेसिफिकली वर्ड यूज किया है इन ऑल सूट्स कंसर्निंग प्रॉपर्टी, जितने भी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग सूट्स हैं जो प्रॉपर्टी वेस्ट की गई है ट्रस्टी को, एग्जीक्यूटर को, एडमिनिस्ट्रेटर को। ठीक है जी, विद अ कंटेंशन इज बिटवीन द पर्सन बेनिफिशियरी एंड द एडमिनिस्ट्रेटर शैल पर्सन रिप्रेजेंट द पर्सन सो इंटरेस्टेड, जो पर्सन इंटरेस्टेड है बेनिफिशियरी है उनको ये पर्सन रिप्रेजेंट करेंगे, द ट्रस्टी एग्जीक्यूटर एंड एडमिनिस्ट्रेटर शैल represent the person so interested and shall not ordinarily be necessary to make them parties to the suit, but the court may if it think fit order them or any of them to be made parties. लगता है ये बेसिकली क्या है, वी हैव अ नंबर ऑफ बेनिफिशियरी, एक ट्रस्ट बना दिया हमने, एक ट्रस्टी को अपॉइंट कर दिया, इज अ बेसिकली मैनेजर जो उस ट्रस्ट को टेक केयर करेगा, उन पर्सन के लिए करेगा जिनके लिए वो ट्रस्ट बनाया गया है। तो लॉ कहता है कि बेसिकली दैट ट्रस्टी, वो एग्जीक्यूटर, वो एडमिनिस्ट्रेटर जिनको प्रॉपर्टी वेस्ट की गई है, वो पर्सन बेनिफिशियरी को रिप्रेजेंट करेंगे। सिंपल थिंग दैट दे रिप्रेजेंट दोस पर्सन्स जो बेनिफिशियरी को रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन इन द मीन वाइल कोर्ट जो है वो किसी भी बेनिफिशियरी को एज ए पार्टी भी ऐड कर सकती है, अगर उनका इंटरेस्ट लगता है कि उनको वायलेट होगा तो कोई भी बेनिफिशियरी है वो पार्टी बन सकती है सूट का, तो वो एप्लीकेशन दे देगा कि मुझे भी पार्टी बनाया जाए, ऑल्दो हमें रिप्रेजेंट कर रहा एक्स, बट इन स्पाइट ऑफ दैट आई वॉन्ट कि मुझे पार्टी बनाया जाए, तो कोर्ट आपकी एप्लीकेशन को अलाउ कर देगी और आपको पार्टी एज ए बना सकती है। ठीक है जी, तो ये था रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 क्या कह रहा है, जॉइंटर ऑफ ट्रस्टीज एग्जीक्यूटर्स और एडमिनिस्ट्रेटर, अगर ऐसा केस है जहां पर नंबर ऑफ मीन्स मोर देन 1 or 2 जो हमारे ट्रस्टी है एग्जीक्यूटर है और एडमिनिस्ट्रेटर है ज्यादा, वहां पर वर्ड क्या लिखा है, वेयर देयर आर सेवरल ट्रस्टीज, काफी ट्रस्टीज हैं, काफी एग्जीक्यूटर्स हैं, काफी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, तो दे शैल बी मेड पार्टीज टू द सूट, तो डेफिनेटली वो सभी को पार्टी बनाएंगे हम लोग अगेंस्ट वन ऑफ देम, अगर एक दूसरे के अगेंस्ट भी सूट फाइल करना हुआ तो वो सभी पार्टी बनेगी, क्योंकि वो सभी पर्सन जो है वो प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं,
तो वो सभी पार्टी हम लोग उसको बना देंगे। अब प्रोविजो ऐड कर दिया हमने, द एग्जीक्यूटर हु हैव नॉट प्रूव्ड देयर टेस्टेटर्स विल, जो कि विल है, विल के बाद विल में जो है वो पर्सन को अपॉइंट कर दिया एग्जीक्यूटर, मेरे मरने के बाद जो है मेरी प्रॉपर्टी वो एग्जीक्यूट करेगा ये पर्सन, इसको एग्जीक्यूटर बना दिया। अब वो एग्जीक्यूटर जो है वो विल को प्रूफ नहीं कर पाया, अगर विल नहीं प्रूफ हुई तो एग्जीक्यूटर कहां से आ गया। लॉ कहता है कि अगर एग्जीक्यूटर फेल टू प्रूव द टेस्टेटर्स विल, अगर एग्जीक्यूटर ने टेस्टेटर की विल प्रूफ नहीं की तो एग्जीक्यूटर को पार्टी बनाएंगे नहीं हम लोग, सिंपल। दैट एग्जीक्यूटर हैज नो राइट टू बी मेड अ पार्टी इन द सूट, ठीक है, क्योंकि वो विल को ही नहीं प्रूफ कर पाया, जिस विल के थ्रू उसको पावर दी गई थी, तो वो विल ही नहीं प्रूफ कर पाया, तो लॉ कहता है कि आप एग्जीक्यूटर हो नहीं, अगर आप एग्जीक्यूटर हो नहीं तो आपको पार्टी हम लोग बना नहीं सकते, इट्स वेरी सिंपल। दूसरी बात, दूसरी कंडीशन, अगर कोई ट्रस्टी, अगर कोई एग्जीक्यूटर, जहां कोई अदर जो एडमिनिस्ट्रेटर्स है हमारे हैं, अगर वो इंडिया के बाहर रहते हैं तो उसकी हमें जरूरत नहीं है पार्टी बनाने के लिए, ठीक है, अनलेस एंट्री का जो इंटरेस्ट है वो अफेक्ट ना हो, ठीक है। तो बेसिकली थिंग है कि वो जो और कोई रिप्रेजेंट कर रहा है बेनिफिशियरी को वो सफिशियंट है। लॉ कहता है, वहां पर स्पेशली मेंशन कर दिया कि एंड ट्रस्टीज एग्जीक्यूटर एडमिनिस्ट्रेटर्स आउटसाइड इंडिया need not be made parties, उनको पार्टी बनाने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑर्डर नंबर 31, ठीक है जी। दो छोटे से ऑर्डर थे इसलिए मैंने एक ही एक्शन में उनको कवर कर दिया, ठीक है। और इन केस में इन ऑर्डर्स में अगर कोई प्लीज प्रॉब्लम आई तो आप कमेंट करके पूछ लेना, आई विल श्योरली रिप्लाई दोस कमेंट, ठीक है जी। सत श्री अकाल, थैंक यू, सत श्री अकाल।